अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं निगाह मोहम्मद। सर्दी के मौसम में अक्सर व बेशतर ठंड की शिद्दत को कम करने के लिए मुख्तलिफ सौगात का इस्तेमाल किया जाता है। इनमें से चिक्की भी एक है। ये चिक्की किस तरीके से बनती है और कितने किस्म की बनती है, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। आइए चलते हैं। इसका तजर्बा मेरा वो हो गया 35 साल का, तकरीबन 25 साल यहीं पे धोरा जी में हो गए यही काम करते हुए। एक ही काम, सबसे ज़्यादा फली वाली, गुड़ वाली फली सबसे ज़्यादा वन नंबर पे। इसके बाद फिर तिल होता है, तिल वाली, फिर तिल के लड्डू हैं, खोपरे वाली है, ये फिर बाद में है सारा। ड्राई फ्रूट खाते हैं खाने वाले, महंगी आइटम है, बहुत कम लोग खाते हैं, गरीब लोग सोचते बेचारे। हमारे पास सबसे ज़्यादा गुड़ चलता है। मार्केटों में जो पैकिंगों में माल आता है ना, उसमें ग्लूकोज और चीनी का मार ज़्यादा होती है। हर चीज़ आपके सामने है, गुड़ है, लिक्विड ग्लूकोज है, पानी है, कोई चीज़ की मिलावट नहीं है, कोई चीज़ वो नहीं है कि आदमी पीछे से डालेगा। 25 साल हो गए घाक के सामने ही सब कुछ करते हैं हम लोग। गुड़ आता है, गुड़ भी हम लोग देख के लाते हैं, ब्राउन कलर का गुड़ लाते हैं। फली भी A1 क्वालिटी की पंजाब की फली इस्तेमाल करते हैं, कम से कम मुकम्मल तौर पर आधे घंटे के अंदर अंदर। हमारी तिल की फली की, चने की, खोपरे की तिल फली मिक्स की गुड़ में चीनी में 600 रुपये किलो बेचते हैं। मिक्स ड्राई फ्रूट 600 रुपये पाव बेचते हैं, 2400 रुपये किलो। पिस्ते वाली होती है 2800 रुपये किलो, 700 रुपये का पाव। और बादाम वाली होती है 500 रुपये की पाव। अखरोट वाली होती है 400 रुपये की पाव। और काजू वाली होती है 600 रुपये की पाव। आरिफ चिक्की कार्नर, दुकान नंबर आजी 17 हाउस, दुकान नंबर 15, धोराजी कॉलोनी।